नमस्कार छात्रों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आज एक्सक्रीशन इन नीरीज के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो इसका जो नेफ्रिडियल सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल इसमें दी हुई है कि नेफ्रिडियल सिस्टम इसमें किस तरह से होता है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नेफ्रिडियल सिस्टम इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि नेफ्रिडिया जो होते हैं वो खास करके उत्सर्जन की प्रक्रिया में ही काम में आते हैं, और ये नीरी जो होता है वो भी एक एनिलिडा का सदस्य है, संघ एनिलिडा का एक सदस्य है। और इसके शरीर के जो खंड होते हैं वो खंडों में विन्यासित होता है, यानी कि एनिलिडा का जो अर्थ होता है वो खंडीय जीव के रूप में अपन इसको जानते हैं। और इसका जो खंडीय विन्यास है इनमें उत्सर्जन जो होता है वो नेफ्रिडिया द्वारा ही होता है, जो एक कुंडलित आकार की व्यवस्था में सीलोम और आहरनाल के बीच उपस्थित होती हैं। तो सीलोम जो होता है वो एक स्थान है, ब्लैंक एक जगह है, एक स्थान के रूप में जाना जाता है जिसमें फ्लूड भरा रहता है ज़्यादातर, और आहरनाल के बीच उपस्थित होती हैं, शरीर के प्रथम और अंतिम खंड में अनुपस्थित होती हैं। फर्स्ट और जो लास्ट होता है उसमें ये निश्चित रूप से एब्सेंट होते हैं और बाकी में ये प्रेजेंट रह सकते हैं। प्रत्येक खंड में या सेक्शन में या इसके भाग में अपन कह सकते हैं, तो नेफ्रिडिया के साइटोप्लाज्म के जो सिंसाइटियल मास है, संयोजी ऊतक हैं, उसके जो मल्टी न्यूक्लियस जो मास है, बहुकेंद्रीय जिसको पिंड भी कह सकते हैं, इससे बनी होती हैं। तो एक छात्रों, ये बनने का भी एक सिस्टम इसका नेफ्रिडिया का है कि जो संयोजी ऊतक के जो पिंड होते हैं उनके द्वारा ये बनी होती है। प्रत्येक जो वृक्क है यानी नेफ्रिडिया है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, नेफ्रिडिया के टू टाइप्स ऑफ सेक्शंस कर सकते हैं, भाग सकते हैं। तो पहला इसमें अपन कर सकते हैं वृक्क काय, वृक्क काय, वृक्क काय यानी बॉडी, इसकी बॉडी। नेफ्रिडिया का अधिकतर भाग काय के रूप में अंडाकार ग्रंथिल होता है। तो ज़्यादातर इसका जो पार्ट है, 80% पार्ट इसका जो होता है वो ग्लैंडुलर भाग होता है, ग्रंथिल भाग होता है। जैसा कि हम इसको बता रहे हैं कि आपका जो ग्रंथिल भाग है वो इसमें पाया जाता है। तो ग्रंथिल भाग होने से इसका आशय अपन ये निकाल सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ग्रंथियों वाला जो पार्ट होता है वो पाया जाता है। तो संयोजी ऊतक के जो पिंड हैं वो ग्रंथिल हो सकते हैं, जो कुंडलिनी अवस्था में जो कॉइल्ड के रूप में रहता है। इस पिंड में एक कुंडलित नलिका पाई जाती है, कॉइल्ड के रूप में एक ट्यूब्स पाई जाती हैं जो दो आगे की तरफ ग्रीवा के द्वारा नेफ्रोस्टोम द्वारा खुलती हैं। तो नेफ्रोस्टोम वाला भाग है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रिडिया। पीछे की तरफ अगर देखें, हम बैक साइड में इसकी तरफ देखें तो यह एक पैरापोडिया पार्श्वाद की वेंट्रल साइड पर नेफ्रिडियो स्पोर द्वारा बाहर खुलती है। बैक साइड में इसको देखें तो नेफ्रिडियो पोर द्वारा ये बाहर खुलती है। तो नेफ्रिडियो स्पोर जो पार्ट है वो पीछे की तरफ ये पैरापोडिया की वेंट्रल साइड पर नेफ्रिडियो स्पोर द्वारा अगर खुलती है तो ये नेफ्रिडियो स्पोर हैं वो एक अवरोधनी पेशी द्वारा घिरा रहता है। अवरोधनी पेशी मीन्स हो गया कि भाई रोकने का एक सिस्टम इसमें हो,
है ना, जब भी अपन उत्सर्जन की बात करते हैं तो रोकने का एक सिस्टम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लगातार फ्लो में उसको रोकने की प्रक्रिया नहीं होगी तो जो मल या यूरिन है या अन्य अन्य पदार्थ हैं, जैसे मानव में भी स्फिंक्टर पेशियां होती हैं जिसको रोकने का काम किया जाता है, तो इसमें भी क्या है, अवरोधनी पेशी जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर खोला या बंद किया जा सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन में भी ऐसे होता है कि जब ज़रूरत होती है तभी अपन को पेशियों को एक्टिव कर सकते हैं। तो उत्सर्जी नलिका अधिकांश स्थानों पर सिलियरी होती है, सिलियरी माने पक्षमा भी होती है, परंतु नलिका का जो अंतिम भाग है, लास्ट पार्ट है, वो उसमें सिलिया नहीं होंगे, तो ये सिलिया लेस होगी, यानी सिलिया इसमें नहीं होंगे, सिलिया विहीन होगी, पक्षमा विहीन होगी। तो नेक कैसी होगी, इसकी नेक की बात करें तो इसका जो नेक वाला पार्ट है, गर्दन वाला पार्ट इसको कहेंगे अपन, वो किस तरह का पार्ट रहेगा, तो इसकी बात भी अपन कर लें। तो नेफ्रिडिया के अग्रभाग थोड़ा सा क्या होता है, संकरा होता है, जो कि संकरा होता है और इस भाग में सिलिया होते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इसमें सिलिया पाए जाएंगे और यह एक खंड के सेप्टा को पार करके दूसरे खंड की गुहा में फैला रहता है, यानी खास बात इसकी है कि एक खंड के सेप्टा को पार करके दूसरे खंड की गुहा में ही रहता है, वहाँ पर ये सिलिया युक्त कोश यानी कि नेफ्रोस्टोम में खुलता है, यहाँ जा करके ये नेफ्रोस्टोम में इसकी गर्दन का पार्ट खुलता है। अगले चरण की बात करेंगे तो इसमें उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, विधि है, वो किस तरह से होती है, इस पे अपन फोकस डालेंगे। तो ब्रकक जो होते हैं के ऊपर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है, यानी ये जो नेफ्रिडिया हैं इनके चारों तरफ कैपिलरीज होती हैं जिनको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। आप जानते हैं कि ब्लड जो है ऑक्सीजन का फ्लो कर सकता है और बॉडी में सभी ऑर्गन्स को जो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम है वो ब्लड का है, वैसे ही इन कैपिलरीज के माध्यम से केशिकाओं के माध्यम से इनका जो एक नेटवर्क है, पूरा एक नेटवर्क फैला रहता है इनका पूरा, जो हर चीज़ से कनेक्ट रहता है, हर इसके पार्ट से कनेक्ट रहता है, जिसमें से ग्रंथित सेल द्वारा ब्लड में उत्सर्जी पदार्थों को अलग करके उत्सर्जी नाल में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ जो ब्लड काम कर रहा है वो उत्सर्जी पदार्थों को ले जाने का काम भी करता है और नाल में छोड़ने का भी काम ये करता है, और ख़ास करके इसके अमोनिया होती है इसमें, इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, अमोनिया होती है। तो नेफ्रिडियोस्टोम द्वारा कुछ सिलोमिक ग्रेन्यूल्स कणिकाओं को ग्रहण करते हैं और जिसमें उत्सर्जी पदार्थ एवं हानिकारक जीवाणु आदि मौजूद होते हैं, किसमें होते हैं, ये सिलोमिक कणिकाओं को ग्रहण करता है, कौन करता है, नेफ्रिस्टोम, जिसमें क्या चीज़ होती है, उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं और हानिकारक जीवाणु जो होते हैं जो बॉडी के लिए ठीक नहीं हैं, डेंजरस हैं, वो इसमें मौजूद होते हैं, जिनका भक्षण नेफ्रोस्टोम द्वारा करके एक्सक्रिटरी कैनाल में भेज दिया जाता है और नेफ्रिडियोस्पोर द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो यहाँ लास्ट जो पोर्शन है वो नेफ्रिडियोस्पोर है, जिसके द्वारा ये बाहर त्यागने की कार्रवाई इसमें संपन्न होती है। नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो अपन पर्टिकुलर एनिमल में करने का प्रयास करेंगे, कि एक एनिमल को एग्जाम्पल के रूप में लेकर के इसका शॉर्ट पार्ट में इसी वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा डिटेल आ जाएगा। तो जोंक की अपन बात करेंगे, जोंक जो होती है एक एनिमल है, उसमें उत्सर्जन की बात करेंगे। तो जोंक नीरीस की तरह खंडों में विभक्त रहती है और इसमें भी उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ इसमें नेफ्रिडिया इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी नेफ्रिडिया पाए जाएंगे, और उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो कि 17 जोड़ी कुंडलित नलिकाकार के रूप में होते हैं, 17 इसमें पेयर्स कुंडलित नलिकाकार के रूप में होते हैं, जो कि जोंक के 6th खंड से 22वें खंड तक प्रति खंड के हिसाब से पाए जाते हैं, इनको दो भागों में बांट सकते हैं।
तो ये जो 17 पेयर्स जो कुंडलित नलिकाकार रूप हैं, इनको अपन जो है 22वें खंड तक प्रतिखंड के हिसाब से पाए जाते हैं, उनको दो भागों में अपन डिवाइडेड कर सकते हैं। तो पहला जो भाग आता है वो है, पहला जो भाग आता है वृषणी या टेस्टिक्यूलर नेफ्रिडिया, टेस्टिक्यूलर नेफ्रिडिया के नाम से जानते हैं, वृषणीय के हिसाब से जानते हैं इसको, फर्स्ट जो पार्ट है इसका। तो 11 जोड़ी जो वृक्क हैं जो कि 12वें से 22वें खंड तक फैले रहते हैं, 12 to 22 जो एक पार्ट होता है, खंड होता है इसका, वहाँ तक फैले रहते हैं। इसकी रेंज है फिक्स, कोई 11 जोड़ी इसमें मिलेंगे। इस टाइप के जो वृषणीय प्रकार के जो नेफ्रिडिया हैं वो 11 जोड़ी मिलेंगे। ये एक इसमें क्लियर सी बात है कि एक नंबर ऑफ इसका जो सिस्टम है वो फिक्स है, यानी फिक्स नंबर के हिसाब से इसमें मिलते हैं, क्योंकि ये वृषण कोश से जुड़े रहते हैं। इनका जो जुड़ने का जो क्रम है वो क्या है, वृषण कोश से ये जुड़े रहते हैं और इसलिए इन्हें वृषणीय वृक्क कहा जाता है, जिसके 6 भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं इसके, 6 पार्ट ऑफ द डिवाइडेड बाई टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। फर्स्ट पार्ट की अपन चर्चा करें तो ये मेन लोब के रूप में आता है, ये मेन लोब आगे की भुजा है एक तरह से, और ये वेंट्रल सिरे से एक सक्री नलिका है जो डक्ट के रूप में निकलती है और पीछे की तरफ टर्मिनल वेसिकल में खुलती है, और इसका जो पेशी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को कंट्रोल कर सकती है। अपन वेसिकल डक्ट की मेन लोब की बात करें अपन ज़्यादातर तो वेसिकल डक्ट में जाकर के ये खुलती है। दूसरा है वेसिकल एंड वेस्कुलर डक्ट हैं दोनों, तो ये वेसिकल और वेस्कुलर नाम से जैसा पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फ्लो में काम आते हैं और बाहर निकालने की क्रिया में ये शामिल होते हैं। तीसरा है इनर लोब, अंतःपाली हिंदी में कहते हैं, अंतःपाली इनर लोब की बात करेंगे तो इनर लोब भी दोनों भुजाओं के बीच सक्रिय रूप से उपस्थित होता है, जिसमें ट्यूबुलर सेल उपस्थित होती हैं और एपिकल लोब के आधी दूरी तक उपस्थित होती हैं। 5वें की बात करें तो इनिशियल लोब है, आरंभिक पाली है, और आरंभिक पाली जो होती है वो इनिशियल पाली की बात करें तो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पतली नली के समान इसके ऊपर लिपटी अवस्था में पाई जाती है और इसको वृषण पाली भी कहते हैं। ये खोखली सेल की एक लाइन से बनी होती है, इसका जो विशेष बात है खोखली लाइन जो होती है उससे ये बनी हुई होती है, और इसके आगे वाला सिरा जो होता है वो वृषण कोश में एम्बेडेड रहता है, एम्बेडेड मीन्स धसा रहता है वृषण कोश में, और पेरिफेरल स्टोमियल परिवृक्कक मुख तुम्बिका के निकट अंधनाल में समाप्त होती है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल मैं अभी इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ दे रहा हूँ, बाकी इसका पूरा और आगे का जो पार्ट है वो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट इसका जो हो जाता है वो है सिलिएटेड लोब, यानी अंग और परितुख मुख तुम्बिका, पेरिनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला इसका पूरा नाम है। ये पेरिनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला जो होती है, जिसको सिलिएटेड लोब भी कहते हैं, ये प्रत्येक वृषण कोश में परिवक्कक मुख तुम्बिका पाई जाती है, और यह अंग वास्तव में सीलोम का कटा हुआ भाग होता है, और इस तुम्बिका में सिलिया पाई जाती हैं जो 4-5 धागों के रूप में लटकी रहती हैं, और नेफ्रिडियोस्टोम्स की तरह इसको अपन काम में ले सकते हैं या उस तरह से ये अपना रोल प्ले करती है। तो बच्चों ये बात क्लियर है कि टेस्टिकुलर जो नेफ्रिडिया हैं, जो कि जोंक की अपन चर्चा कर रहे थे कि जोंक में उत्सर्जन कैसे होगा, तो जोंक में उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसमें ये इसके 6 पार्ट वृषणीय टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया की ये स्टाइल है, और
दूसरा जो भाग होगा इसका वो प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया के रूप में होगा, और इसकी फिर मैकेनिज्म अलग से अपन अध्ययन करेंगे। तो मेन लोब, वैस्कुलर डक्ट, अंत्यपाली, शीर्षस्थ पाली, आरंभिक पाली और अंग एवं परितुक मुक्तुम्बिका, ये जो भाग हैं ये टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया के भाग इसमें पाए जाते हैं। तो इसका और आगे जो विस्तार है हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।